आप सभी देख रहे हैं, ये कबीरधाम जिले का, ये कबीरधाम जिले का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ राज्य का ये आदिवासी क्षेत्र है। अनादिकाल से बसने वाले आदिवासियों की पवित्र भारत भूमि और यहाँ रहने वाले ये सभी ऋषि मुनियों की संतानें हैं। भगवान श्री राम और कृष्ण के वंशज हैं, भगवान शिव और माँ दुर्गा को मानने वाले हैं और ये हनुमान जी के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं। और आज ये लोग पीड़ित हैं, हमारा समाज पीड़ित है कि हिंदू कहाँ जाएं। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में ये एकत्रित होकर इनकी मांग है कि भारत में से धर्मांतरण बंद हो, क्योंकि धर्मांतरण ही भारत को खंड खंड में विभाजित करने का षड्यंत्र है। भारत के लोगों को, आदिवासी समाज को और हिंदुओं को तोड़ने का ये जो भयंकर षड्यंत्र चल रहा है धर्मांतरण, ये बंद होना चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। यदि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान यदि इस्लामी राष्ट्र बन गया, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? बोलो भारत माता की जय। ललकार है इनकी, 4 लाख हिंदू मंदिरों के ऊपर सरकार ने कब्जा कर लिया और हिंदू मंदिरों का धन वहां से लूटकर ऐसे ऐसे जगह में खर्च कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। विधर्मियों को बांटा जा रहा है, मस्जिदें बनाई जा रही है, अल्पसंख्यक आयोग को दिया जा रहा है और आज हिंदू दुखी है, पीड़ित है। आज उनके गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया, मंदिरों के जमीनों को बेच दिया गया, गौशालाओं को खत्म कर दिया गया और लाखों लाखों गायों को कत्ल खाने में बेचकर काटा जा रहा है। इसलिए इनकी मांगे हैं, हिंदू मंदिरों की लूट बंद हो, हिंदू मंदिरों की लूट बंद हो। इनकी मांगे हैं कि हिंदू मंदिरों का जो धन है वो हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान में और हिंदू मंदिरों के देखभाल में, गौशालाओं के निर्माण में, हम चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में सरकार 5,000-10,000 गायों को रखने की व्यवस्था करे, सरकार आयोजन करे और उसके गोबर और गौमूत्र का व्यवसाय करे, करोड़ों रुपए उससे आमदनी होगी, गो धन है और इससे गौ रक्षा भी होगी। इनकी ये मांग है कि अगर आप मंदिरों का पैसा लूट रहे हो तो उसका धन गुरुकुलों की स्थापना में लगाओ, मंदिरों में गुरुकुल होना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक पाठशालाएं होनी चाहिए। और इसी तरह भारतीय शिक्षा पद्धति में सत शास्त्रों का समावेश हो, संस्कृति का समावेश हो। आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे भी भ्रमित है, उनको पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, बेरोजगार होकर लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में भटक रहे हैं, जबकि ये हमारा देश है जो कभी कणाद, अगस्त्य, पुलस्त्य, अंगिरा, गार्गी, अहिल्या, सांडिली जैसी विदुषी और विद्वानों को दिया था। ये ऋषि परंपरा के लोग आज बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, कोई व्यसन का शिकार हो रहा है, कोई शराब का शिकार हो रहा है, कोई लव जिहाद में कोई लड़की फंसा के ले जाता है, कहीं बांग्लादेशी घुस रहा है, कहीं रोहिंग्या घुस रहा है। और इसलिए इनकी मांग है कि हिंदू धर्म में सत्शास्त्रों की शिक्षा हो, शिक्षा हो और हमारे आस्था केंद्र, साधु संत जिन्होंने धर्म की जागृति करी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिया, ऐसे साधु संतों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। पालघर में 2 साधुओं को पीट पीट कर मार डाला गया, उसके अपराधियों को छोड़ दिया गया। कहीं किसी मंदिर के साधुओं की हत्या होती है, स्वामी लक्ष्मण सरस्वती की उड़ीसा में हत्या हो गई, आज 84 वर्षीय संत श्री आसाराम जी बापू को हत्या कर देने की पूरी षड्यंत्र चल रही है। बापू जी की शीघ्रातिशीघ्र हत्या हो सके ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है ताकि हिंदू धर्म समाप्ति की ओर चला जाए। जो संत श्री आसाराम जी धर्मांतरण के विरुद्ध में पूरे देश में आवाज बुलंद कर रहे थे, जाति पाति का भेदभाव छोड़कर सबको एकत्रित कर रहे थे और सबको भगवान नाम की प्यालियां पिला रहे थे, व्यसन मुक्त कर रहे थे, उनके जीवन को, उनके परिवारों को सुख शांति का संदेश दे रहे थे, आज उनको 8 साल से 35 बार उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया है, 35 बार बेल रिजेक्ट कर दिया गया। आज बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े अपराधी और 70-70 नॉन अवेलेबल वारंट जिनके ऊपर ऐसा इमाम बुखारी जैसा बुखारी, ये लोग आज खुलेआम भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। ऐसे गद्दारों को भारतीय कानून व्यवस्था छोड़ देती है, निर्दोष छोड़ देती है, वो खुलेआम घूम रहे हैं और निर्दोष आसाराम जी बापू को 84 साल की उम्र में
रेमडेसिविर के इंजेक्शन, 6-6 इंजेक्शन लगाकर उनको मृत्यु सैया में आज डाल चुकी है सरकार। इसलिए इन सबकी मांगे हैं कि परम पूज्य आसाराम जी बात को